हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है इस वीडियो लेक्चर में वह है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि 1872 का एक्ट है ये, और यह भारतीय संविधान अधिनियम है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आपको प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन प्री के लिए और कौन सा सेक्शन मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम तैयारी अपनी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमें क्या पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरा एक्ट पढ़ना है, या एक्ट का कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट ही पढ़ना है। क्योंकि अगर हम तैयारी के अपने स्टार्टिंग लेवल पर ही ये जान जाते हैं कि हमें कौन से सेक्शन नहीं पढ़ना है, तो यकीन मानिए कि हमारा जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी कि कौन से इम्पॉर्टेंट सेक्शन प्री के लिए है, कौन मेंस के लिए है, किस केस लॉ को पढ़ना है, कौन कौन से केस लॉ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी पर ये लेक्चर जो है वो केंद्रित है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और इसके पहले आप लोग अपने बेरक से इम्पॉर्टेंट सेक्शन को टिक लगा लीजिए कि कौन कौन से सेक्शन प्री के लिए और कौन कौन से मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आप लोग बेरक खोल लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे आप सबसे पहले तो आप देखिए, आप टिक लगाएंगे यहाँ पे जो सिंगल टिक लगेगा, यानी एक टिक मैं बताऊंगा वो प्री के लिए होगा और डबल टिक होगा वो मेंस के लिए होगा। तो जब मैं आपसे कहूँगा कि इस पर सिंगल टिक लगा लीजिए तो आप समझिए प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जब मैं बताऊँगा कि इसमें डबल टिक लगा लीजिए इसका मतलब प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप लगाइए कि सेक्शन 1 और 2 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिकली प्री के लिए इम्पॉर्टेंट आता है एग्ज़ाम में। धारा 1 और धारा 2 यानी सेक्शन 1 और 2 किसके लिए? प्री के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी धारा 3 से लेकर के 8 तक, ये सेक्शन मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्री से भी क्वेश्चन बनता है लेकिन मेंस में अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए यहाँ पर आप डबल टिक लगा लीजिए। ठीक है, उसके अलावा आपको सेक्शन 10 से लेकर के और सेक्शन 19 तक यहाँ भी आपको क्या लगाना है? डबल टिक लगा लेना है, डबल टिक लगा लेना है। क्योंकि डबल टिक का मतलब हो गया कि आप तो प्री में पढ़ेंगे और ये सेक्शन मेंस के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो धारा 10 से लेकर धारा 19 तक आपको एक बार इसमें टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद 20, 21, 22 ये बेसिकली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धारा 20, 21, 22 में पूछा जाता है, ये प्री के लिए। और इसमें एक सेक्शन है 23 यानी धारा 23, ये मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह मेंस से यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से समस्या वाली प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सेक्शन 23 को फोकस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सीधा आते हैं सेक्शन 25 लेकर के 30 तक। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 25 से लेकर 30 तक का जो सेक्शंस हैं वह मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री में भी कुछ निश्चित पूछते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट केवल प्री के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी करना है। तो सेक्शन 25 में आपको पता है कि ये नोडम पैक्टम की बात करता है। नोडम पैक्टम यानी कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। इसी के अपवाद दिए गए, एक्सेप्शन दिए गए हैं, इसलिए 25 आप अच्छे देखेंगे। इसके बाद 26 लेकर 30 तक वॉइड एग्रीमेंट के बारे में दिए गए, शून्य करार के बारे में। तो ये मेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से, और प्री में भी एक दो क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे तैयार कर लीजिए। ठीक है, यानी कि आपको 25 लेकर 30 तक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू तैयार करना। ठीक है, इसके बाद आप आइए चैप्टर 3 यानी कि सेक्शन 31, 32, 33 और 34। देखिए चार धाराएं हैं, धारा 31, 32, 33, 34 यहाँ पे प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं और ये समाश्रित संविधाओं के बारे में है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, इसलिए आप इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसके जो दृष्टांत है, इलस्ट्रेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसका सीधा 36 आएंगे, 36 में प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 में दिया है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदाओं के पालन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे सेक्शन बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है सेक्शन 39, 37, 38, 39 में। आप 39 को बेसिकली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 40, 41, 42, 43 ये तीनों सेक्शन जो है, सॉरी यहाँ से ये 43 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में ही पूछे जाते हैं, है ना। धारा 40 लेकर के धारा 43 तक, इसको भी आप अच्छे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे आपको थोड़ा सा जंप करना है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सेक्शन उसको पढ़िए, ताकि आपकी सफलता प्री और के साथ साथ मेंस में भी सिक्योर हो, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 43 के बाद सीधा आप आ जाएंगे 56, 57, 58, यानी कि धारा 56, 57, 58 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट धारा है, ये इनका आपको अच्छे से स्टडी करना है। इस पर जितने केस लॉज हैं उनकी भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, जितने केस लॉज हैं उनकी भी तैयारी आपको अच्छे से करना है, इसलिए इस पर आप टिक लगा लीजिए 56, 57, 58, ठीक है, प्री मेंस दोनों के लिए। 59 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू देता कि डॉक्टर ऑफ क्लेटन किसे, क्लेटन का वाद किस धारा से संबंधित है, तो धारा 59 पे बेस्ड है, ठीक है, क्लेटन का वाद धारा 59 देख लीजिएगा। उसके बाद 62 ये मेंस पूछता है कभी कभी कि नोवेशन क्या होता है, संविदा का नवीकरण क्या होता है, संविदा का विखंडन क्या होता है ना, सारी चीज़ों को धारा 62 में। 64, 65 यहाँ पे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और कभी कभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे प्रॉब्लम बनती है, इसलिए वाइड एग्रीमेंट और वाइडल एग्रीमेंट का क्या रिजल्ट है, उसमें कंपनसेशन अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें कोई एडवांस बेनिफिट लिया है, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड या वाइडल होती है तो उसको जो बेनिफिट है वो वापस करना पड़ेगा। 64, 65 दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 68 से लेकर के 72 तक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि ये संविदा कल्प की बात करती है, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट बात करती है, यानी कि 68 से लेकर के 72 तक क्या है ये संविदा कल्प की बात करती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर 5 में अध्याय 5 में है, ठीक है। तो 68 से 72 तक आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका सेक्शन मानते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें केस लॉ है मोजेस वर्सेज मैकफरलान। जस्टिस मेंसफील्ड ने कहा है कि नो वन कैन बी इन रिच ऑन अकाउंट ऑफ अदर्स मनी, कोई भी व्यक्ति दूसरे की कीमत पर अन्यायपूर्ण ढंग से धनी नहीं हो सकता। तो ये संविदा नहीं होती है, ये संविदा जैसे संबंध होते हैं, क्योंकि ये लॉ द्वारा ऑपरेट होते हैं, ये विद द्वारा सृजित होते हैं, इसमें किसी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 68 से लेकर 72 तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्री मेंस दोनों के लिए ज़रूर कर लेना। मोजेस वर्सेस मैकफरलान का केस है, जस्टिस मेंसफील्ड ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के धन पर अन्यायपूर्ण ढंग से धनी नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट पूछ देता है कि किसने कहा है कि नो वन कैन बी इन रिच ऑन अकाउंट ऑफ अदर्स मनी, तो जस्टिस मेंसफील्ड ने कहा है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा आप। 73, 74, 75 ये क्वेश्चन आता है मेंस में, आता है कभी कभी प्री में आता है, इसलिए आप उसको मेंस के मेंस के लिए छोड़ दीजिए, प्री में इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, ठीक है। अब आते हैं पार्ट टू में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट टू में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे की और देखना है कि इसका चैप्टर जो 7 है वहाँ पे ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, उसको रिपील्ड कर दिया गया, अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक नया एक्ट ही बना दिया गया है, ठीक है। तो चैप्टर 8 में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी एंड गारंटी, यानी कि इसका दिया है कि प्रत्यभूत की संविदा और क्षतिपूर्ति की संविदा, क्षतिपूर्ति की संविदा, प्रत्यभूत की संविदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 124, 126 यहाँ पे आप इसको टिक लगाएंगे, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ देता है और मेंस में भी पूछा जाता है, इसलिए आप 124, 126 जरूर देख लेंगे। धारा 127, 28 और 29 ये भी पूछ देता है कि कंसीडरेशन फॉर गारंटी क्या है, श्योरिटीज़ लाइबिलिटी क्या है, प्रतिभू का दायित्व क्या होता है, और कंटिन्यूइंग गारंटीज़ यानी कि
यहाँ पे आप देखिएगा कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या, चलत प्रत्याभूति है, और 130 है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, इसका मतलब चलत प्रत्याभूति का प्रसंगण, यानी कि 127, 28, 29, 30 ये बेसिकली ये प्री में पूछ जाता है, और कभी कभी मेंस में भी यहाँ से प्रॉब्लम बन जाती है, इसलिए आप उसको प्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद हम सीधा जंप करते हैं, आते हैं 148 पर। 148 एक अलग तरीके का यहाँ पे संविधाएँ होती हैं जिसका नाम है बेलमेंट, यानी कि उपनिधान बोलते हैं, उपनिधान 148 बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिधान, उपनिधान क्या होता है, आपको पता है कि उपनिधान के बारे में दिया है कि जब कोई पर्सन किसी गुड्स को, किसी माल को क्या करता है, दूसरे पर्सन को किसी सर्टेन पर्पस से प्रोवाइड करता है, और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति यानी सेकंड पर्सन है फर्स्ट पर्सन को वो गुड्स रिटर्न कर देता है या उसके डायरेक्शन से किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, इसे बोलते हैं बेलमेंट यानी कि उपनिधान, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्सन माल को देता है, ए पर्सन हु डिलीवर्स गुड्स इज कॉल्ड बेलर, उपनिधाता कहलाता है, और जिसको माल दिया जाता है, ए पर्सन होम गुड्स इज डिलीवर्ड इज कॉल्ड बेली, यानी कि उपनिधि। तो एक तरफ उपनिधाता हो गया, एक तरफ उपनिधि हो गया, तो पूछ देता है कभी कभी। तो ये 148 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं 148 के बाद 149, 150 कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। इसके बाद सीधा आ जाएगा 163, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री में पूछता, मेंस पूछता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो जिसका उपनिधान किया गया, जिसका बेलमेंट किया गया, उसमें कोई इंक्रीज होता है, कोई बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी। तो इसके लिए रूल है सेक्शन 163 में कि अगर कोई संविदा स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है तो जनरल नियम है क्या है कि जो इंक्रीज प्रॉपर्टी है उसका बेलर ही क्या होगा, हकदार होगा। बेलर इज इंटाइटल्ड फॉर द इंक्रीज प्रॉपर्टी अनलेस एनी कंट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब तक कि कोई अन्यथा संविदा नहीं की गई है तो बेलर के पास वो प्रॉपर्टी इंक्रीज मिलेगी, ठीक है। 163 में होगा, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको आना है 172 पे आ जाइए। 172 क्या, प्लेस की बात करती है, गिरवी की बात करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेस जो है, गिरवी ये दोनों आता है आपका प्री और मेंस दोनों ही पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। गिरवी का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा समझना चाहिए। गिरवी में क्या होता है कि जैसे जब कोई व्यक्ति अपने वचन के पालन के लिए या किसी ऋण के संदाय के लिए, ठीक है, किसी ऋण को रीपे करने के लिए, डेट को रीपे करने के लिए, या किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी रखता है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को बेलमेंट करता है, तो वो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं गिरवी प्लेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है कि जैसे ए, मान लीजिए ए को बैंक से या किसी व्यक्ति से 50,000 रुपये चाहिए, तो वो अपनी माँ की गाड़ी क्या करता है, वो सिक्योरिटी के रूप में दे देता है ताकि बैंक उसको पैसा दे दे, इसे बोलते हैं प्लेज बोलते हैं, इसे बोलते हैं गिरवी बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी गुड्स होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्लेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 172 इसको आप देख लेंगे, ठीक है। जो पर्सन क्या होता है, गुड्स की सप्लाई करता है, यहाँ पे डिलीवर करता है, उसे क्या बोलते हैं, पावनर। पावनर का मतलब क्या होता है, पड़यमकार, पड़यमदार, पड़यमकार, पड़यमकार हो गया, और जिसे प्रॉपर्टी मिलती है उसे पड़यमदार यानी पावनी बोलते हैं। तो पावनर एंड पावनी याद रखिएगा, दो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन प्री में नहीं आता है और मेंस में भी नहीं आता है। फिर हम आ जाते हैं एजेंसी पे। एजेंसी जो है वो चैप्टर 10 में दी गई, ध्यान दीजिएगा, अभिकरण अध्याय 10 में दिया गया, इसको आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे केवल वही सेक्शन लगाइए जो प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लगा सकते हैं 182, धारा 182, 183, 184, 185, ध्यान दीजिएगा। 182, 183, 184, 185 यहाँ पे प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एजेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है, ठीक है, हु में एम्प्लॉय एजेंट, अभिकर्ता की नियुक्ति कौन कर सकता है,
और हु मे बी एन एजेंट और कौन व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। 185 दिया है कि प्रतिफल आवश्यक नहीं है, एग्रीमेंट आवश्यक, कंसीडरेशन आवश्यक नहीं है एजेंसी के लिए, तो ये 185 तक इम्पॉर्टेंट है प्री ओमियंस दोनों के लिए, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं 191 पूछता है, सब एजेंट का भी पूछता, प्री के लिए पूछ देता, इसको आप देख सकते हैं 191 और 192 प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में कभी कभी पूछता है, ठीक है। वैसे अगर आप प्री के लिए तैयारी किए रहे तो मेंस में भी आपका फ़ायदा ही देगा, इसलिए आप उसको सावधानी से पढ़ना है। जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ उससे बाहर के सेक्शंस आने के चांस कम है, ये रिस्क है और इसको आपको उठाना है, ठीक है। फिर आप आ सकते हैं 200, सेक्शन 200 प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जब एजेंसी टर्मिनेट होती है, यानी 201 सेक्शन 201 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एजेंसी का परेशान होता है, अभिकरण समाप्त जाता है 201, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक सेक्शन है 210 और 211 प्री के लिए, इसके बाद आगे आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली कम पूछे जाते हैं। तो 210 और 211 के बाद आप इसको पूरा का पूरा इधर आगे छोड़ सकते हैं, या आपका मन है तो पढ़ने को पढ़ सकते हैं, लेकिन यही है कि प्री एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करना है तो हमें यहाँ पर सेक्शन के बर्डन से बचना है, ठीक है। अब हम आते हैं शुरू में, इस इतने सेक्शन को मैंने आपको करा दिया, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज़ और समझना है इस एक्ट के बारे में, जो बेसिक कंसर्न मैं बता दे रहा हूँ उसको आप सुन लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी में ये फ़ायदा करें। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये जानना है कि यह एक्ट कब बना, तो आपको पता है 1872 का बना, वेरी गुड। दूसरी चीज़ है कि एक्ट लागू कब होता है, यह एक्ट इन्फोर्स कब होता है, तो आपको पता है यह एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों एक्ट कब इन्फोर्स हुए हैं, 1 सितंबर 1872 को, इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद है आप ये एक्ट इसका विस्तार कहाँ पे है, इसका एक्सटेंड कहाँ तक होता है, तो इसके पहले देखिए ये एक्ट क्या था, प्रेजेंट टाइम में दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत में लागू होता है, जम्मू कश्मीर पहले था कि एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, ये हट गया है, अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है, इसलिए 31 अक्टूबर 2019 से भारतीय संविधान अधिनियम पूरे भारत में लागू होती है। पहले ये जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था, लेकिन जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है तब से यह जो है एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू हुआ, इसलिए 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये एक्ट जो है पूरे भारत पर लागू होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसका देखिए प्रेम्बल क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य का दो दिया है, क्या, टू डिफाइन एंड टू एमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि संविधान से संबंधित विधियों को परिभाषित करना और उसमें संशोधन करना, परिभाषा और संशोधन दो बात याद रखिएगा। इसमें कंसोलिडेशन नहीं है, समेकित नहीं है, क्योंकि समेकित किस में है, साक्ष्य विधि में, एविडेंस एक्ट में दिया है कि टू कंसोलिडेट, टू एमेंड, टू डिफाइन, यहाँ पे केवल दो है, टू एमेंड एंड टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये एक्ट नंबर कौन सा, एक्ट नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा अधिनियम संख्या कितना, 9 है, ये पूछता है, ठीक है, कब का है, 1872 का है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कितने सेक्शन टोटल हैं, 238 धाराएं हैं, ध्यान दीजिएगा। टोटल चैप्टर कितने हैं, 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 11 चैप्टर था जो बाद में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बन गया, तो टोटल चैप्टर 10, 238 सेक्शंस हो गए, कभी पूछ देता है, ठीक है। अब उसके बाद सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लास दिया हुआ है, निर्वचन खंड दिया गया है, तो 2A से लेके 2J तक आपको ये सेक्शन वाइज तैयार करना होगा। जैसे 2A में प्रपोजल दिया है, प्रस्ताव, 2B में दिया है वचन, प्रॉमिज, और क्या दिया है, और उसमें प्रतिग्रहण दिया, एक्सेप्टेंस दिया है। 2C में प्रॉमिजर और प्रॉमिज दिया है, मतलब प्रस्तावकर्ता और प्रतिगृहिता दोनों दिया, एक व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है, दूसरा जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है। 2D में प्रतिफल दिया है, कंसीडरेशन दिया है, ठीक है। तो उसके बाद 2E में क्या दिया, एग्रीमेंट दिया, करार दिया है। 2F में क्या दिया है, 2F में व्यतिकारी वचन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस दिया है, ठीक है। और 2G में वाइड एग्रीमेंट, शून्य करार दिया है। और 2H में कॉन्ट्रैक्ट दिया है, संविदा दी है। और 2I में क्या दिया है, और 2I में दिया वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी शून्यकरणीय संविदा। और 2J में वाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शून्य संविदा दिया गया है। तो 2A से लेकर के 2J तक आपको याद रखना, अच्छे से याद रखना है कि 2A में प्रपोजल, देखिए 2A में प्रपोजल,
टू बी में क्या दिया है, टू बी में एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस दिया है, टू सी में प्रोमिजर प्रॉमिस दिया है, टू डी में कंसिडरेशन दिया है, टू ई में एग्रीमेंट, टू जी में वाइड एग्रीमेंट, टू एच में कॉन्ट्रैक्ट और टू आई में वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और टू जे में वाइड कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक्ट नंबर पूछ देता है, कभी इन्फोर्समेंट डेट पूछ देता है और कभी कभी जो है वो डिफिनेशन पूछता है कि एग्रीमेंट कहाँ पर डिफाइंड है। इसको आप अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे आपको कुछ और ध्यान देना है कि जैसे प्रपोजल, पहला स्टेप क्या होता है, प्रपोजल होता है। तो प्रपोजल के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइजेज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू डू आर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ सच पर्सन इज कॉल्ड प्रपोजल। यानी कि जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा को क्या करता है, संज्ञापित करता है, सिग्निफाई करता है, किस लिए, दूसरे व्यक्ति को, ताकि वो कोई काम करे या ना करे, नॉट टू डू यानी एब्सटेन मतलब टू डू मतलब करना एंड टू एब्सटेन मतलब नहीं करना, और किस लिए करता है, ताकि दूसरा पर्सन उस पर अपनी सम्मति दे दे, उसे कहता है प्रस्ताव, प्रपोजल का। जैसे ए बी को अपना स्कूटर बेचना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी को 5,000 रुपये में अपना स्कूटी पुरानी बेचना चाहता है, तो ये क्या है, ये वो अपनी इच्छा को संज्ञापित करता है, बी के माइंड में डालता है। जैसे बी को इस बात का पता चलता है तो माना जाएगा कि ए ने क्या किया, बी को प्रपोजल कर दिया, ये याद रखिएगा, प्रपोजल, ठीक है। अब देखिए प्रपोजल बेसिकली क्या होता है, दो तरीके का होता है बेसिकली, वैसे तो चार होता है, दो तरीके, जैसे जनरल प्रपोजल सामान्य प्रस्ताव, और दूसरा होता है कि स्पेसिफिक प्रपोजल यानी कि विशिष्ट प्रस्ताव। जनरल प्रपोजल में क्या होता है, ये पूरे विश्व के लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है, सबके लिए होता है, इसलिए प्रपोजल एट लार्ज बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली आप दो केसला पे डिपेंड करिए, दो केसला बहुत इंपॉर्टेंट है, लालमन शुक्ला वर्सेज लालमन शुक्ला का केस है ना, और दूसरा केस है कि कर्लिल वर्सेज स्मोक बाल कंपनी का केस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए, लालमन शुक्ला का केस और कर्लिल वर्सेज स्मोक, ये सामान्य प्रस्ताव पर, जनरल प्रपोजल पर है, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके बाद जनरल प्रपोजल हो गया, ये हो गया, दूसरा हो गया काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल आप क्या कहते हैं, काउंटर का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति एक प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति को करता है एक्सेप्टेंस के लिए, और व्यक्ति एक्सेप्टेंस को सीधे सीधे स्वीकार नहीं करता, उसमें कंडीशन लगा देता है, उसमें अमेंड कर देता है, तो क्या होता है कि अब वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होता, सेक्शन 7 का रूल का वायलेशन करता है। क्या कहता है कि एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, यहाँ पे तो कंडीशन लग गई, इसलिए प्रपोजल क्या हो गया, प्रपोजल पूरा नहीं हो पाता है, यहाँ पे एक नया प्रपोजल हो जाता है प्रॉमिजी की तरफ से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं। और काउंटर ऑफर क्या करता है, ओरिजिनल ऑफर को डिस्ट्रॉय करता है, समाप्त कर देता है, ठीक है। इस पर केस है, आप ध्यान दीजिएगा, हाइड वर्सेस रेंज का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस ला, हाइड वर्सेस रेंज का केस है जो काउंटर ऑफर पे है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। ये दो हो गया, तीन हो गया, और एक होता है कि क्रॉस ऑफर, यानी कि क्रॉस ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर का मतलब होता है यहाँ पे कि जब एक व्यक्ति वही कोई प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति को डाक के माध्यम से उसी दिन करता है, और दूसरा व्यक्ति भी वही प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति को डाक के माध्यम से उसी दिन करता है, तो दोनों प्रस्ताव आपस में क्रॉस कर जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रस्ताव। जैसे एग्जांपल, ए 20 जनवरी को बी को ये लिखता है कि मैं अपनी स्कूटी 20,000 रुपये में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, और इसको पोस्ट ऑफिस में लेटर डाल देता है। बी भी कहता है कि मैं तुम्हारी स्कूटी 20,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, और इसको क्या करता है, वो डाक में डाल देता है। तो दोनों ऑफर चूँकि एक ही विषय वस्तु के बारे में है, सेम टर्म कंडीशन है, दोनों एक ही डेट एक ही माध्यम से जा रहे हैं, डाक के माध्यम से क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए इसे क्रॉस ऑफर बोलते हैं। और ये क्रॉस ऑफर एक बहुत अच्छा केसला है, टिन वर्सेज होपमैन का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, याद करिए, टिन वर्सेज होपमैन का केस है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अब थोड़ा सा जानना चाहिए कि प्रस्ताव जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, संसूचित होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रस्ताव की शर्तें सिंपल सा है कि प्रस्ताव की शर्तें में दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, पर्सन में
नेचुरल पर्सन होना चाहिए और आर्टिफिशियल दोनों होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीव जंतु जानवर नहीं होते हैं, यानी कि दोनों तरफ से व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जानवर के माध्यम से कोई प्रस्ताव करता है तो उसे एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका कंडीशन है प्रपोजल की, कि प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी प्रस्ताव संसूचित होना चाहिए। अब संसूचित मतलब क्या होना, कि दूसरे व्यक्ति के नॉलेज में होना चाहिए। जैसे लालवंत शुक्ला के केस में, लालवंत शुक्ला बनाम गौरी दत्त का केस है, ये कहता है इसमें गौरी दत्त का भतीजा जो होता है निफू कहीं गायब हो जाता है और वो अपने सर्वेंट लालवंत से कहता है जाओ तुम खोज के लाओ। लेकिन जब वो खोजने चला जाता है तब क्या करता है ये गौरी दत्त, अपने भतीजे को लिए एक इनाम की घोषणा करता है कि जो कोई उसके भतीजे को खोज के लाएगा उसे 501 रुपये इनाम दिया जाएगा। अब ये प्रस्ताव लालवंत को तब पता चलता है जब वह भतीजे को खोज के लाता है और वह इनाम की मांग करता है, और जब वह कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहता है कि आप इनाम पाने के हकदार नहीं हैं, यू आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर द अवार्ड बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड, क्योंकि आपको प्रस्ताव की संसूचना नहीं थी इसलिए आप इनाम पाने के हकदार नहीं हैं। तो ये बेसिकली आपको केसला आपको देखते रहना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको एक प्रीव्यू दूंगा, आपको बताऊंगा, बाकी आपको पढ़ना है उन सेक्शनों को, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सेक्शन 10 को आप पढ़ सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 में आप देख सकते हैं कि बताता है कि कौन सा करार संविदाएँ हैं, क्योंकि संविदा के लिए आप देखिए कितने स्टेप होते हैं। पहले प्रपोजल होता है, पहला स्टेप पर प्रपोजल हुआ और दूसरा एक्सेप्टेंस हुआ। अब जैसे प्रपोजल स्वीकार किया जाएगा 2B के तहत वो वचन बन जाता है, मतलब व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, जैसे ही स्वीकार होता है वचन बन जाता है। वचन का मतलब होता है दो पार्टी आपस में एक दूसरे के लिए बंध जाते हैं, बाइंडिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो वचन हो गया ये, और जिसको प्रस्ताव किया गया है जब उसे स्वीकार कर लेता है तो कहा जाता है कि यह क्या हो गया, यह प्रस्ताव प्रतिगृहित हो गया। ए पर्सन होम प्रपोजल इज मेड इज एक्सेप्टेड बाई हिम इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, उसे क्या कहते हैं, प्रतिग्रहण बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है कि इसमें प्रतिफल होता है, कंसिडरेशन 2D में डिफाइन किया गया, ध्यान दीजिएगा, प्रतिफल को धारा 2D में डिफाइन किया गया है, ठीक है। प्रतिफल बेसिकली होता क्या है कि जैसा कि जस्टिस पोलक ने कहा है कि प्रतिफल किसी वस्तु की क्रय करने के लिए कीमत होती है, जो किसी वस्तु का मूल्य होता है। कंसिडरेशन इज ए थिंग ऑफ कंसिडरेशन इज द वैल्यू ऑफ ए थिंग, किसी वस्तु का मूल्य होता है उसे क्या बोलते हैं। लेकिन जस्टिस पैटरसन ने कहा है कि कंसिडरेशन हैज़ सम वैल्यू इन आई ऑफ लॉ, प्रतिफल का विधिक दृश्य में कुछ मूल्य होना चाहिए। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2D में बता दिया गया है कि प्रतिफल क्या होता है, प्रतिफल 3 तरीके का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और किसके लिए होता है, इसमें कोई क्या रहा जाता है, कोई कार्य होता है, कोई एक्ट, कोई प्रॉमिस और एब्स्टिनेंस होता है, यानी कि कोई कार्य प्रवृत्त या वचन को क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। ये 3 तरीके का आपको समझ लीजिए इसमें होता है, ठीक है। और प्रतिफल जो होता है क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन 25 का था नूडम पैक्टम, एक दिया ना कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है, ध्यान दीजिएगा। तो शून्य करार होता है यहाँ पे, तो ये इसका मतलब नूडम पैक्टम, इसका मतलब कंसिडरेशन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन धारा 25 में इसकी 3 अपवाद बताए गए, 3 क्या, 4 अपवाद बताया गया। पहला अपवाद क्या दिया गया है, धारा 25 में 3 अपवाद बताया गया, एक अपवाद 185 से आता है, 185 से, जहां देता ना कि एजेंसी के लिए प्रतिफल नहीं चाहिए। तो पहला अपवाद देता है कि अगर पार्ट सेक्शन 25 का फर्स्ट अपवाद एक्सेप्शन है, अगर पार्टी के बीच में क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, प्राकृतिक प्रेम स्नेह है, और उन्होंने एग्रीमेंट को क्या किया, रजिस्टर्ड कर दिया और राइटिंग में कर दिया, लिखित कर दिया, तो प्रतिफल ना होने के बाद भी एक यह वैध संविदा बनेगा, इसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो इसको आप ये कर सकते हैं। इसमें एक केस ला है राजलखी वर्सेज भूतनाथ मुखर्जी का केस है, जिसमें पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते थे। पति ने पत्नी से एक संविदा किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम तुम अलग रहो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता रहूँगा, और यह कॉन्ट्रैक्ट जो है रजिस्टर्ड किया गया और उसको क्या किया गया, राइटिंग में किया गया, लिखित किया गया, रजिस्टर्ड किया गया, और बाद में यह क्या किया गया, पति ने पैसा देना बंद कर दिया। तो वाइफ ने कोर्ट में केस फाइल किया, तो कोर्ट ने कहा, क्या कहा, कि पत्नी को कहा कि यू आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर सेड अमाउंट, आपको वह धन पैसा पाने का हक नहीं है, हकदार नहीं, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर इज़ ए डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड
योर हस्बैंड, देर इज ए लैक ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह का आप लोगों के बीच में अभाव है, आप लोगों के बीच झगड़ा है, इसलिए सेक्शन 25 का क्लॉज 1 यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी देख लीजिएगा। 25 में आपका एक्सेप्शन देता है कि अगर कोई वॉलंटरी सर्विस करता है और दूसरा पर्सन क्या करता है, उसको उसके बदले में कुछ देने का प्रॉमिस करता है, तो वो कंसीडरेशन के बिना भी एक अच्छा संविदा हो जाएगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और तीसरा है जो टाइम बार डेट के लिए, कि अगर कोई ऋण दिया गया है उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो दूसरा पार्ट जिसको ऋण देना है उस ऋण को पूरा या उसका पार्ट करने के लिए क्या करता है, लिखित में एक करार करता है और उसको वह सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर करता है, तो वह प्रतिफल के बिना भी एक वैध संविदा बन जाएगा। इसको आप अच्छे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख लेंगे कि सेक्शन यहाँ पर दे दिया है कि सेक्शन 10 में मैंने बताया था ना कि कौन कौन से एग्रीमेंट होंगे, तो आपको पता है कंसीडरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे आ सकते हैं कि धारा 11-10 में देखेंगे कि प्रति ये दिया है कि कौन से करार संविदा होते हैं। पहले आपने देखा कि प्रस्ताव हुआ, फिर प्रतिग्रहण हुआ, फिर वचन बना, फिर उसमें वचन के बाद प्रतिफल जुड़ गया, ठीक है। और प्रतिफल के साथ प्रतिफल में जैसे वचन में प्रतिफल जुड़ता है वो क्या बन जाता है, करार बन जाता है। 2E में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया, क्या डिफाइन किया गया, एन एग्रीमेंट विच इज़ इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि प्रतिफल के बिना किया, सॉरी कहा गया है कि करार को क्या बोलता है कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस विच फॉर्मिंग कंसीडरेशन टू इच अदर। इसका मतलब कि प्रत्येक वचन और वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल हों उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं करार, एग्रीमेंट बोलते हैं, करार हो गया। और शून्य करार वाइड एग्रीमेंट कहाँ पर दिया गया, 26 लेकर के 30 तक वाइड एग्रीमेंट शून्य संविदा के बारे में दिया गया है। देखिए 26 में क्या दिया है, 26 में दिया गया है कि मैरिज के रिस्ट्रेंट कोई एग्रीमेंट नहीं होता, एन एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेंट टू मैरिज एक्सेप्ट माइनर इज वाइड, यानी अवयस को छोड़ करके किसी के विवाह के अवरोधक करार किया तो शून्य होगा धारा 26 में। धारा 27 दिया कि व्यापार के अवरोधक करार नहीं होगा, ट्रेड के अगेंस्ट नहीं होगा। और सेक्शन 28 में दिया है कि लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट नहीं होगा, विधिक कार्रवाई को रोकने करार नहीं होगा। और सेक्शन 29 में कहा था अनिश्चितता का करार, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है जो अनसर्टेन है और ना ही सर्टेन किया जा सकता है तो क्या होगा, वो वाइड होगा, शून्य होगा। और सेक्शन 30 में बाजी का करार, वे ऑफ वेजरिंग दिया है, बाजी का करार भी शून्य होता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन दे रहा है क्या कि अगर कोई हॉर्स रेसिंग है, घुड़दौल है, और कोई वर्ग पहेली पजिल है, वहाँ पर वो एग्रीमेंट शून्य नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जस्टिस हॉकिंस ने कर्लिल वर्सेस मोबाइल कंपनी के केस में ये बता दिया कि बाजी का करार किसे कहते हैं। बाजी करार में दो पक्षकार किसी अनसर्टेन घटना के बारे में क्या करते हैं, बाजी लगाते हैं, जिसमें एक पक्षकार की जीत होती है, दूसरे पक्षकार की हार होती है, उसको क्या बोलते हैं, बाजी का करार बोलते हैं। और ये सेक्शन 31 में समाश्रित संविदा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट होता है, इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आप 31 में देख लीजिएगा, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। इधर आपने 23 भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद आ गया एग्रीमेंट भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब देखिए किसी भी एग्रीमेंट को अगला स्टेप क्या, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए क्या होना, सेक्शन 10 की शर्तें पूरी होनी। सेक्शन 10 दिया कि कौन से करार, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, विच एग्रीमेंट टू बी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट। तो इसमें दिया कि इसके लिए 5 शर्तें दी गई। पहला दिया कि कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए, कोई भी करार संविदा तभी बनेगा जब सक्षम पक्षकार होंगे, यानी कॉम्पिटेंट पार्टी होगी। कॉम्पिटेंट पार्टी होने के लिए 3 क्वालिटी होनी चाहिए, 3 शर्तें होनी चाहिए। पहला कि वो जो पक्षकार हों क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, यानी 18 साल की एज पूरी होनी चाहिए। अगर कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करता है तो उस कंडीशन में 21 ईयर्स होगा, अदरवाइज जनरल रूल है 18 साल। दूसरा इसमें क्या होना कि साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब चित्त क्या होना चाहिए, चित्त विकृत नहीं होना चाहिए, स्वच्छित व्यक्ति होना चाहिए, साउंड माइंड हो गया। और तीसरा दिया है कि किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो स्वच्छितता की जांच होती है साउंड माइंड की, वो कहता है 11 में कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करते समय व्यक्ति अगर स्वच्छित है तभी माना जाएगा, उसके पहले अगर अस्वस्थ है और संविदा करते समय स्वस्थ है तो स्वस्थ माना जाएगा, अगर संविदा करने के बाद अस्वस्थ हो जाता है तब भी वो स्वच्छित माना जाएगा और संविदा उसकी क्या होगी, वैलिड होगी। तो ये आपको पता हो गया, ठीक है। दूसरा दे रहा है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, तो कंसेंट की डिफिनेशन दिया है 13 में,
यानी सम्मत को 13 दिया गया। तो जहाँ पे एक ही बात पर एक ही भाव में करार हो, माना जाएगा कि पक्षकार सच क्या हैं, सम्मत हैं। व्हेन टू आर मोर पर्सन्स आर सेड टू बी एग्रीड, व्हेन दे एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, एक ही बात पर एक ही भाव में करार करते हों तो क्या बोलेंगे, उसे सम्मत बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं कंसेंसस एडाइनम, मताइक के होना। और 14 कहती है कि कब सम्मत स्वतंत्र होगी, जब धारा 15 में प्रपीड़न द्वारा ना कारित की गई, व्हेन द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्शन, धारा 15 में, धारा 16 में असम्यक असर के द्वारा होना, व्हेन कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, धारा 17 में कपट के द्वारा ना हो, फ्रॉड के द्वारा ना हो, धारा 18 में मिथ्या दुर्देशन ना होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, और 20 से लेकर 22 तक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर ऐसा नहीं है तो करार क्या होगा, वो माना जाएगा कि ऐसी सम्मत क्या है, वो स्वतंत्र है। अब तीसरा, पहला हो गया सक्षम पक्षकार कॉम्पिटेंट पार्टी, लॉफुल कंसीडरेशन हो गया, फ्री कंसेंट हो गई, और लॉफुल कंसीडरेशन तीसरा पॉइंट यानी प्रिंसिपल विधिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि कह दिया ना एंसन ने, और पैटर्सन ने क्या कहा कि कंसीडरेशन है सम वैल्यू इन आई ऑफ लॉ, प्रिंसिपल विधि की दृष्टि में कुछ मूल्य होना चाहिए। अब आ जाइए सेक्शन 23 पे, सेक्शन 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है ना कि कोई भी प्रिंसिपल विधिपूर्ण कब होगा, व्हेन कंसीडरेशन इज लॉफुल और नॉट, सेक्शन 23 में कहता है व्हेन इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, जब वो क्या होना चाहिए, विधि द्वारा प्रतिबंधित ना हो। दूसरा, व्हेन इट इज ऑफ सच नेचर इफ परमिटेड इट वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर ऐसी प्रकृति का करार है, अगर उसकी उसको अनुमति दी जाए तो विधि के बंधों को विफल कर देगा। तीसरा कह रहा है फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, यानी कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। और चौथा कह रहा है डज नॉट इंक्लूड इंजरी ऑफ एनीवनस बॉडी और प्रॉपर्टी, या किसी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की क्षति नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा शरीर और संपत्ति की क्षति होनी चाहिए। जैसे एक आता है ना कि बी से कि तुम जाओ उसी का घर जला दो तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, यहाँ पर क्या है, यह करार इसका प्रतिफल विधिपूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति की संपत्ति की क्षति है यहाँ पर। ठीक है, तो ये नहीं होगा। और इसमें जो है पांचवा पॉइंट है कि कोर्ट डज नॉट कंसिडर इट इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, न्यायालय की नज़र में यह क्या होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए और लोकनीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो प्रतिफल कंसिडरेशन लॉफुल माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें जो पांचवा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, वो क्या कहता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि दोनों पक्षकारों का विधिपूर्ण इंटेंशन होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। बालफर वर्सेस बालफर का केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है ना कि इसमें पक्षकारों के बीच में इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, अगर इंटेंशन नहीं है तो संविधा का निर्माण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि संविधाएं एग्रीमेंट देखिए दो तरीके का होता है, सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट का मतलब होता है सामाजिक बोलचाल भाषा में किया गया कोई बात, तो वहाँ पर वो इन्फोर्सेबल नहीं होता, लेकिन जब आपका इंटेंशन उस संविधा उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने का है तो लीगल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इस यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। और पांचवा कंडीशन है कि वो व्यक्ति जो है, वो संविधा जो है, किसी के द्वारा क्या होनी चाहिए, ये जो है न्यायालय के द्वारा क्या होना चाहिए, वायड डिक्लेयर होना चाहिए, इट इज़ नॉट डिक्लेयर बाई वायड बाई एनी कोर्ट, किसी लॉ के द्वारा वायड ना डिक्लेयर हो। तो ऐसी कंडीशन में ये पाँच शर्तें पूरी होंगी तो कोई भी करार कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अन्यथा करार जो है संविधान नहीं बनेगा। राइट, ये हो गया। तो इतने सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको याद करना है। इसमें केस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ केस लॉ आप उसको देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ कि जैसे मोहरी बीवी का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास का घोष केस। इसमें कहा गया है कि एक मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का केस 1903, ध्यान दीजिएगा 1903 है, 1903 है, प्रीवी काउंसिल के देवी पूछ देता है किस ईयर का है, कौन कोर्ट है, प्रीवी काउंसिल है। इसमें कहा गया है एन एग्रीमेंट टू माइनर इज वाइड एवन इश्यू, यानी आवेश के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य होता, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद और केस ला है, लालन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का केस है, उसके बाद बालफोर वर्सेज बालफोर का केस है। ठीक है, फिर आप देख लेंगे एक केस है हाइड वर्सेज रेंज का केस है। ठीक है, फिर हार्वे बनाम फेसी का केस है, प्रपोजल और इनविटेशन टू प्रपोजल, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, यानी प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ केस ला और हैं, जैसे आप 56 पे आ सकते हैं, क्रेल वर्सेस हेनरी का केस है, शत्रुपद घोष बनाम मुगनी राम का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, होचेस्टर डी टूला का केस सेक्शन 39 पर है। ठीक है, और मोजेस वर्सेस मैकफरलान का केस सेक्शन 68 पर है। तो इन केसेस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। और केस ला मैं बता रहा हूँ आपको 148 पे, बेलमेंट पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कालिया पेरुमल वर्सेज विजय लक्ष्मी का केस, ध्यान दीजिए, कालिया पेरुमल वर्सेज विजय लक्ष्मी का केस है, उपनिधान पर है। इसमें ना एक स्त्री थी जो
जेवरात बनाने के लिए सुनार के पास जाती थी और रोज़ जाती थी, शाम को चली आती थी, तो उस बक्से में वो क्या करती थी, ऑर्नामेंट को, गहने को बंद करके ताला और चाबी लेती आती थी। एक दिन क्या हुआ कि गहने चोरी में चले गए, तो और वह लेडी जो है उस सुनार के खिलाफ केस फाइल करती है, तो कोर्ट ने इसमें बेलमेंट नहीं माना। क्यों? कहा कि गुड्स वेयर नॉट डिलीवर्ड, यानी कि माल का प्रदान ही नहीं हुआ तो यहाँ पे उपनिधान का निर्माण नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कालिया पेरुमल वर्सेज विजय लक्ष्मी का केस है। और दूसरा केस है आल्टजन वर्सेज निकोल्स का केस है, ये भी उपनिधान पर है, बहुत इंपॉर्टेंट, 148 पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, 148 पर है। इन दोनों को केस ला आप देख लीजिएगा, बाकी इधर जो 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 मैंने सेक्शन आपको बताया है उसको आप अच्छे से देख लीजिएंगे तो आपकी तैयारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ उन केस को आप समरी बना लेना कि किस किस केस को कौन कौन से सेक्शन पे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो आपकी प्री की तैयारी, प्री में जो 15 क्वेश्चन बिहार जुडिशरी में आता वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ही जिन लोगों का मेंस में भी ये सब्जेक्ट है टॉट कॉन्ट्रैक्ट का, इसके लिए भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब अगला वीडियो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद लॉ ऑफ टॉट पे बनाएंगे, यानी अपकृत की विधि बनाएंगे, उसको आप अच्छे से देखेगा और फुल कॉन्फिडेंस के तैयारी किएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपको नए नए वीडियो जो है आपके लिए अपलोड करते रहें रहूं मैं, और आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। और आप अच्छे मन से तैयारी करिए क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और मेरा चैनल आप सभी लोगों को पूरा सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। धन्यवाद।